नमो अर्हन ताणम, नमो अर्हन ताणम। वैर का अनुबंध भाग 9। 2 वर्ष बीत गए। महाराजा गुणसेन की ख्याति पूरे राज्य में और उसके आसपास के राज्यों में मोगरे के फूल की सुगंध की भांति सर्वत्र फैल गई और राज्य की प्रजा परम सुख का अनुभव करने लगी। आचार्य आर्जव कौंडिन्य के आश्रम में राजा गुणसेन की उदार नीति के समाचार मिल चुके थे, परंतु ज्ञान तप और भक्ति में निमग्न आश्रमवासियों को न हर्ष ही हुआ और न ही शोक ही रहा। वर्षों के निरंतर अभ्यास से अग्नि शर्मा एक तेजस्वी पंडित बन गया था, फिर भी शरीर की कुरूपता का दंश अत्यंत वेदना दे रहा था और उसने तप की आराधना प्रारंभ की। प्रथम तो प्रतिदिन एकासन करने लगा, फिर एकांतर उपवास की साधना प्रारंभ की। आचार्य के हृदय में अग्निशर्मा के प्रति अत्यंत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया था और जब अग्निशर्मा ने आचार्य से तेले तेले की तपस्या की आज्ञा मांगी, तब आचार्य ने हर्ष भरे स्वरों में कहा, वत्स, यह तप तो अत्यंत कठिन है। भगवान, आपकी प्रेरणा से यह कठिन कार्य भी पूरा होगा। आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमृत के समान है। आचार्य ने अग्निशर्मा के हाव भाव को देखकर तेले तेले तप की अनुमति दे दी और अग्निशर्मा तपस्वी के रूप में विख्यात हो गया। आसपास की जनता तपस्वी के दर्शनार्थ आने लगी। 6 महीनों के पश्चात अग्निशर्मा ने उत्कृष्ट तप करने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय को दृढ़ बनाकर अग्निशर्मा गुरु के पास गया। चरण कमलों में मस्तक झुकाकर बोला, गुरुदेव, कुछ दिनों से मेरे मन में एक संकल्प उभर रहा था, अब वह संकल्प अत्यंत दृढ़ हो गया है। उसकी सफलता के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। वत्स, कौन सा संकल्प लिया है? भगवान, मास खमण अर्थात 1 मास का उपवास, उसका पारणा कर फिर 1 मास का उपवास करना चाहता हूँ। अग्नि, भगवान, जिसको आप जैसे महर्षि का शरण प्राप्त होता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वत्स, यह तो अत्यंत कठोर तप है, आपके आशीर्वाद से यह तप सहज बन जाएगा। इस मास खमण के तप से मैंने एक अभिग्रह भी रखा है। आचार्य अपने तेजस्वी शिष्य की ओर विस्मित दृष्टि से देखते रहे। अग्निशर्मा बोला, भगवान, मेरा अभिग्रह यह है कि मास खमण के पारणे के दिन किसी एक घर में भिक्षा के लिए जाना, यदि भिक्षा न मिले तो पारणा किए बिना दूसरे मास खमण की तपस्या में लग जाना। अग्नि, तुमने बहुत दुष्कर संकल्प लिया है। भगवान, आपका आशीर्वाद मेरे लिए मृत संजीवनी के समान है, आश्रय के समान है। आचार्य आर्जव कौंडिन्य अग्निशर्मा को गले लगाकर बोले, वत्स, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा आशीर्वाद है अग्नि। लोगों की शुद्र दृष्टि में तुम भले ही कुरूप हो, विकलांग हो, किंतु जिनके पास अंतर दृष्टि है वे तुम्हें महान मानेंगे। अग्निशर्मा का वदन प्रसन्नता से तेजस्वी बन गया और दूसरे ही दिन उसने मास खमण का महान तप प्रारंभ कर दिया। आश्रम में रहने वाले सभी आश्रमवासियों ने अग्निशर्मा के चरणों में नतमस्तक होकर मंगल भावना व्यक्त की। ऐसे महान तप की बातें छुपी नहीं रह सकती। जैसे जैसे इस महान तपस्वी के तप का वृत्तांत फैलने लगा, वैसे वैसे लोगों के समूह दर्शनार्थ आने लगे। आचार्य ने अग्निशर्मा की सेवा में 2 शिष्यों को नियुक्त किया, परंतु अग्निशर्मा ने गुरुदेव को प्रार्थना की, भगवान, मेरे निश्चय को आपके आशीर्वाद का बल प्राप्त है, इसलिए मेरी सेवा कोई न रहे तो उत्तम होगा। वत्स, यह तुम्हारी सेवा नहीं तप की सेवा है, और यदि कोई इसका लाभ लेना चाहे तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तपस्वी के व्यावृत्य करने से महान पुण्य का अर्जन होता है। अग्निशर्मा गुरुदेव के समक्ष सजल नयनों से देखता रहा और राजा गुणसेन अपनी पत्नी के साथ वसंतपुर में आ पहुंचा, क्योंकि यह नगरी उसको दहेज में मिली थी। इसी नगरी में राजा द्वारा कन्यादान में दिया गया विमान छंदक नाम का प्रासाद यानी महल बना हुआ था। इस महल में 3-4 महीने के प्रवास के लिए महाराजा गुणसेन अपने कर्मकरों के साथ आ गए। विमान छंदक प्रासाद अत्यंत मनोहर और रमणीय था।
प्रसाद के चारों ओर एक विशाल उपवन था। प्रसाद में अनेक छोटे छोटे खंड थे, यानी रूम्स थे। तीसरी मंजिल पर एक भव्य स्नानागृह था, बाथरूम। इस स्नानागृह में यंत्र रचना के द्वारा उपवन के सरोवर का जल आता था। शयन खंड बेडरूम, श्रृंगार खंड ड्रेसिंग रूम, अतिथि गृह गेस्ट रूम, भोजन खंड किचन, भंडार गृह स्टोर रूम, पाक गृह कुकिंग रूम आदि अनेक खंड वहां थे। महाराजा गुणसेन का शयन खंड यानी बेडरूम तीसरी मंजिल पर था। वह अत्यंत विशाल, स्वच्छ और श्रृंगारित था। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। राजा गुणसेन को यह महल इतना रमणीय और मनोहारी प्रतीत हुआ कि उसने अपनी प्रिया के साथ वहीं निवास करने का मन बना लिया। और एक दिन उन्होंने यह बात अपनी प्रिया से कहा। महादेवी ने यह सुनकर हंसते हंसते कहा, आप जो कहते हैं वह ठीक है, किंतु आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। यदि हम यहाँ वर्ष भर में 2-3 मास रहें, इतना ही पर्याप्त है। प्रिय, मैं यह भावनावश नहीं कह रहा हूँ। राजधानी में ऐसी शांति कहाँ प्राप्त होगी। पत्नी प्रसन्नता पूर्वक पति की ओर देखती रही। 8वें दिन महामंत्री का एक संदेश प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि पड़ोसी के एक राज्य का प्रश्न इतना जटिल हो गया है कि उसका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए आपका राजधानी में आना आवश्यक है। इस भव्य प्रासाद में आए अभिगुण सिंह को 10 दिन भी नहीं हुए कि उन्हें राजधानी लौटना पड़ा। प्रिय के साथ नव यौवन के गीत गाने की तमन्ना 10वें दिन समाप्त हो गई। वास्तव में राजा या राजपुरुष कितने ही सुखी दिखते हों, परंतु उनके पग पग पर प्रश्नों का गुंजारव उनको विचलित किए रहता है। उनकी निवृत्ति भी प्रवृत्ति का ही अन्य रूप है। राजधानी में आकर महाराजा ने पड़ोसी राज्य की समस्या को सुलझा दिया। अन्यान्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर राज्य की सुव्यवस्था पर उसे संतोष हुआ। 2 वर्ष ऐसे ही बीत गए और एक दिन राज्य की व्यवस्था की डोरबाग मंत्रियों को सौंप कर महाराजा गुणसेन ने अपनी पत्नी के साथ बसंतपुर की ओर प्रस्थान किया। महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई विचार विमर्श करना हो तो वह बसंतपुर में ही किया जाएगा, ऐसा निर्णय मंत्रियों को बता दिया गया। बसंतपुर की सीमा में स्थित आचार्य आर्जव कौंडिन्य का आश्रम इन दिनों यात्रा का धाम बन चुका था। महान तपस्वी अग्नि शर्मा की मांस खमण की तपस्या चल रही थी। लोग इस महातपस्वी के दर्शनार्थ दूर दूर से आते थे। अग्नि शर्मा की काया अत्यंत कुरूप थी, किंतु तपस्या का तेज इतना प्रभावशाली था कि दर्शनार्थियों को तपस्वी की कुरूप काया की ओर दृष्टिपात करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। अग्नि शर्मा की काया निर्बल बन गई थी, फिर भी तपस्या का तेज उस निर्बल काया का भूषण बन गया था। एक दिन गुणसेन आश्रम की ओर प्रशंसा सुनकर आचार्य आर्जव कौंडिन्य के आश्रम के लिए रवाना हुआ। महाराज ऋषि ने राजा का आदर सत्कार किया और दोनों के बीच राज्य से संबंधित, आश्रम से संबंधित लंबी चर्चाएं हुई। तत्पश्चात गुणसेन ने कहा, कृपा मूर्ति, आप अपने शिष्य के परिवार के साथ मेरे भवन को पवित्र करें और मुझे आतिथ्य सत्कार करने का अवसर दें। कल आप सभी मेरे वहां भोजन स्वीकार कर मुझे धन्य करें। राजन, मैं तुम्हारी भावना का सत्कार करता हूँ, किंतु मेरा एक शिष्य मांस खमण की तपस्या कर रहा है। पारने के दिन एक घर में ही भिक्षा ग्रहण करता है। भिक्षा प्राप्त हो या नहीं, वह दूसरे घर में भिक्षा के लिए नहीं जाता और उसी दिन एक मास की तपस्या में संलग्न हो जाता है। इसलिए मेरे उस शिष्य के अतिरिक्त अन्य सभी शिष्यों के साथ मैं आ सकूँगा। आचार्य द्वारा निमंत्रण स्वीकार किए जाने पर राजा गुणसेन बहुत प्रसन्न हुआ। गुरुदेव, आपने मेरे पर महान कृपा की, आपकी उदारता से मैं धन्य हो गया। कल मेरे मंत्री तथा अन्य राजपुरुष आपको लेने आ जाएंगे। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं प्रथम पहर की संपन्नता पर वहां आ जाएंगे, आचार्य ने कहा। कृपालु,
यह योग्य नहीं कहा जा सकता, मैं भी साथ ही आऊंगा। अब आपने जिस महातपस्वी के विषय में कहा था वे कहाँ हैं? मांस खमन करने वाले महातपस्वी विरल ही होते हैं। मैं उस महापुरुष का दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ करना चाहता हूँ, राजा ने कहा। आज के लिए इतना ही, आगे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा अग्नि शर्मा का जब वो राजा गुणसेन को देखेंगे, क्या वो उसे पहचान पाएंगे, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू अर्जुन मुखर्जी फॉर शूटिंग एंड एडिटिंग माय वीडियो।